आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी अमित रेणु ने बुधवार रात तक पुलिस लाइन में जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में मुख्य रूप से जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम पुलिस पदाधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में आगामी कर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सरकार के द्वारा जारी नए गाइडलाइंस का अनुपालन कराने और आगामी 19 सितंबर को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से कोयला तस्करी, अवैध शराब का कारोबार, बालू तस्करी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, लूट, डकैती, चोरी, छिनतई, साइबर क्राइम, मारपीट जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तमाम थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान एसपी अमित रेणु ने कई थाना प्रभारियों को कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर फटकार भी लगाई। बैठक के दौरान एसपी अमित रेणु ने कहा कि जिले में किसी भी इलाके में आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं, तो वहां की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, छिनतई, लूट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि हर थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में लंबित मामलों का रिव्यू भी करे, जहां भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है और इन घटनाओं में जिन अपराधियों का नाम सामने आ रहा है उसे तुरंत गिरफ्तार करे। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर भी चर्चा की गई। एसपी ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका अनुपालन कराना है। बैठक में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, खोरीमहुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्सी, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, जमुआ अंचल के इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी के अलावा तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद।